कैबिनेट की दूसरी बैठक में आज 5 बहुत बड़े फैसले लिए गए। सभी फैसले किसानों से ही जुड़े हैं। धान और कपास समेत 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी देते हुए किसानों की एमएसपी वाली डिमांड को भी पूरा कर दिया गया है। और लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी की प्राथमिकता किसान ही है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसान सम्मान निधि की किस्त पर मुहर लगाई गई थी और दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी किसान ही पीएम के एजेंडे में नजर आए। क्लियर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और मक्का मेज 2225 रुपीज। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8682 रुपीज। तूर की एमएसपी है 7550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा। एमएसपी बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर किसानों की तरफ से पहले से ही चर्चा की जा रही थी और केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक में आज 5 बहुत अहम फैसले लिए गए और सभी फैसले किसानों से जुड़े हुए हैं। धान और कपास समेत 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी देते हुए किसानों की एमएसपी वाली डिमांड को भी पूरा कर लिया गया। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी की प्राथमिकता किसान ही रहे हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसान सम्मान निधि की किस्त पर मोहर लगाई गई थी और दूसरी कैबिनेट की बैठक में भी किसान ही पीएम के एजेंडे में नजर आए। तो कुल मिलाकर 5 बड़े फैसले जो आज लिए गए हैं वो आपने सुना कि 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी मिली, कपास की एमएसपी 501 रुपए बढ़ा दी गई, धान की एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी है और कपास की एमएसपी